देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को विधानसभा चुनाव में होने वाले इस्तेमाल अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। राजगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के छापीहेड़ा, नानोरी गांव सहित अन्य गांव में अवैध रूप से संचालित हो रहे अवैध शराब के कारोबार के 26 ठिकानों पर दबिश दी। यहाँ पुलिस और आबकारी विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम ने करीब 48 लाख रुपए की बड़ी मात्रा में विधानसभा चुनाव को लेकर 250 ड्रम में रखकर बनाई जा रही 55,000 लीटर कच्ची शराब मौके से बरामद की। आज छापीड़ा कस्बे में एक्साइज और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो कच्ची शराब के ढेरों पर कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 60,000 महुआ लोहान है उसको नष्ट किया गया है और करीब 200 लीटर शराब जो कच्ची शराब उसकी जब्त की है। कितनी मात्रा में प्राप्त की? इनका लगभग 20-24 लाख के करीब कीमत है। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से राकेश पाटीदार की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।